Manipur is burning. What is the need of categorizing them to be the settled tribe? फिर जो मैथीज की भाषा है मणिपुरी, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th स्केड्यूल में इंक्लूडेड है। हिल की ट्राइब्स मानती है कि अगर मैथीज को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस भी मिल गया तो जो बची कुची जॉब्स है हिल की ट्राइब्स के लिए, उसके लिए भी उनको बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी। और यही दो मुद्दे हैं जो रीसेंट वायलेंस के जिम्मेदार है कि हिल की ट्राइब्स मानती है कि मणिपुर सरकार कुकी ट्राइबल लोगों को अपने घरों से बाहर निकाल रही है और वो कुछ देरी में मैथीज को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस भी दे देंगी। इसी वजह से कुछ दिन पहले ट्राइबल्स की प्रोटेस्ट रैली में वायलेंस स्टार्ट हो गया जब ये अफवाह फैली कि मैथी लोगों ने एक ट्राइबल महिला को अटैक किया। इस अफवाह की वजह से उस रैली में वायलेंस स्टार्ट हुआ और फिर धीरे धीरे ये वायलेंस पूरे स्टेट में फैल गई। टीवी न्यूज चैनल से तस्वीरें दिखाई कि कैसे दोनों ट्राइबल्स और मैथीज लोगों के घर चला रहे। इसी वजह से इंडियन आर्मी बुलाई गई स्टेट में। The army and Assam rifles were deployed to control the situation in the state. पर आप इन मुद्दों की कॉम्प्लेक्सिटी तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आप मणिपुर की कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को नहीं समझोगे। मणिपुर इज बर्निंग।